मरियम आर्यन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो आखिर क्या करे। इसके बाद आप देखेंगी जैसे ही वो अपनी दोस्त के पास जाएगी, वहाँ पर वो कहेगी कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा टेंस हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, क्या बात है। इस पर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके ज़्यादा स्टार्ट करने पर उसको बता देती है और कहती है कि कल आर्यन आया था और उसने ये हरकत की है शायरी के साथ, जिसकी वजह से मुझे इंतहाई दुख है और मैं इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह भी तो हो सकती है। तुमने आर्यन से उसकी वजह मालूम की, तुम्हें उससे उसकी वजह मालूम करनी चाहिए थी। आखिर उसने ये हंगामा कैसे किया और क्यों किया, क्योंकि वो इतना भी पागल नहीं है कि वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है और आके तुम्हारे भाई को मारपीट शुरू कर दे। कोई ना कोई रीज़न होगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा। इस पर वो कहती है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे उस वक्त पूछना चाहिए था कि आखिर बात क्या है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और इस बेचारे को वहाँ से जाने के लिए कह दिया है, और मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी है, लेकिन मैं अपने भाई को तकलीफ़ में नहीं दे सकती हूँ। मैं उसका सहारा हूँ और वो मेरा सहारा है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और हम दोनों पर कोई उंगली उठाए ये हम दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस पर वो कहती है हाँ ये बात तुम्हारी मानने वाली है, लेकिन तुम ज़रा ये भी सोचो कि आर्यन तुमसे कितना प्यार करता है और तुम इसके प्यार का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकती हो, यानी कि तुम्हें उसके प्यार की भी कदर करनी चाहिए, ये भी हकीकत है, क्योंकि तुमने ज़िंदगी आने वाली गुजारनी है जो वो आर्यन के साथ ही गुजारनी थी, इसलिए तुम्हें ये भी सोचना चाहिए था आखिर ये हंगामा हुआ क्यों है।